ये मोदी जी जो पूरे दुनिया में घूमते ना हवाई जहाज लेके, उसका खर्चा आप लोग देते हो, दिल्ली वाले देते हैं। ये जितने केंद्र सरकार में मंत्री हैं, अफसर हैं, इनका घोड़ा गाड़ी बंगला एसी घर, इसका सारा खर्चा दिल्ली वाले देते हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हो आप लोग केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को। और बदले में केंद्र सरकार दिल्ली वालों पे कितना खर्च करती है साल में? 325 करोड़ रुपए। 325, 1.5 लाख करोड़ रुपए ले जाती है आपको लूट के, बदले में देती है 325 करोड़। गोवा छोटा सा राज्य है, गोवा की आबादी 15 लाख, दिल्ली की आबादी 2 करोड़। गोवा को केंद्र सरकार देती है 3,500 करोड़ रुपए, दिल्ली को देती है 325 करोड़। गुजरात को केंद्र सरकार देती है 26,000 करोड़ रुपए, दिल्ली को देती है 325 करोड़। मैंने पूछा ये क्यों कर रहे हो जी, इतना अन्याय क्यों कर रहे हो? कहते दिल्ली आधा राज्य। मैंने कहा आधा राज्य तो हमारा खून चूसोगे, हमारा खून पियोगे? हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट के ले जाते हो दिल्ली वालों का, दिल्ली पे तो खर्च करो। हमने कहा भाई हम मानते हैं बाकी देश गरीब है, आपको बाकी देश पे भी खर्च करना है, लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपए दिल्ली वालों का ले जाते हो, कम से कम 50,000 करोड़ दिल्ली पे खर्च कर दो। अभी ढेला नहीं देती केंद्र सरकार, तब हमने दिल्ली में इतने काम कर दिए, इतने सड़कें नाली खड़ंजे, इतने सीसीटीवी कैमरे, स्कूल अस्पताल बिजली पानी, इतना काम कर दिया। अगर भाई साहब आपके 50,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वापस कर दे, दिल्ली में मैं 10 सिंगापुर बना दूंगा, हर दिल्ली वाले को फ्री में घर दे दूंगा, इतना काम हो जाएगा दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली वालों का 70 साल से इन्होंने खून पी रखा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने 70 साल पहले कहा था, भारत में हर एक आदमी का एक वोट, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे तमिलनाडु का हो चाहे असम का हो चाहे गुजरात का हो, एक आदमी का एक वोट। इन बदमाशों ने संविधान बदल के कर दिया दिल्ली वालों का आधा वोट। दिल्ली सरकार आधी सरकार, दिल्ली राज्य आधा राज्य। भाई साहब ये तो अन्याय है अपने साथ, है कि नहीं है? ये तो बेइज्जती वाली बात है, ये तो हमारे साथ हमारा शोषण है। आपने 4 साल पहले मेरे को जिम्मेदारियां दी थी, आपने मेरे जिम्मे स्कूल अस्पताल बिजली पानी सीसीटीवी कैमरे डोर स्टेप डिलीवरी खड़ंजे सड़क नाली ये सारी जिम्मेदारी दी थी। 4 साल में खूब काम किया मैंने, इनसे लड़ लड़ के ही करे हो चाहे, लेकिन आपके कई सारे ऐसे काम है जो तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक दिल्ली पूरा राज्य ना बन जाए। जैसे मैं 3-4 उदाहरण देता हूं आपको। आज अपने दिल्ली के अंदर चारों तरफ गुंडागर्दी मची पड़ी है, गली गली के अंदर नशा बिक रहा है, बिक रहा नहीं बिक रहा? गली गली के अंदर नकली दारू बिक रही है। हमारी मां बहनों की रोज सरेआम पूरे दिल्ली के अंदर इज्जत लूटी जाती है, 6-6 महीने की बच्चियों की इज्जत लूटी जाती है। मां बहन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, घर से बाहर निकलो मोहल्ले के लड़के छेड़ते हैं उनको, गलत किस्म के लोग छेड़ते हैं। पुलिस में जाओ, पुलिस आपकी सुनती है? पुलिस किसी की नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती पुलिस? क्यों नहीं सुनती पुलिस, कभी सोचा आपने? फिर आप अपने विधायक के पास आते हो, विधायक बेचारा कुछ कर नहीं सकता, विधायक कहता पुलिस मेरी सुनती नहीं है, पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती। आप अपने मुख्यमंत्री के पास आते हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती। तो भाई साहब पुलिस किसके अंडर में आती है? मोदी जी के अंडर में आती है। अब ये बताओ मेरे को, भगवान ना करे कल अपने घर में कुछ हो जाए, आप मोदी जी से मिलने जाओगे क्या? आप प्रधानमंत्री से मिलने जाओगे क्या? प्रधानमंत्री तो मिलता ही नहीं किसी से, उनके पास तो टाइम ही नहीं है, उनके पास 100 काम और हैं, वो तो कभी किसी से मिलते नहीं है।
तो मेरे दिल्ली वाले कहां जाएं? अगर हमारे घर में चोरी हो जाए, डाका हो जाए, हमारी लड़की को कोई छेड़ दे, तो दिल्ली वाले किसके पास जाएं? भाई साहब, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली पुलिस को आपकी सुननी पड़ेगी। अगर दिल्ली पुलिस आपकी नहीं सुनेगी, अगर आपकी लड़की घर से बाहर निकलती है और अगर उसको कोई लड़का छेड़ता है, या तो दिल्ली पुलिस उस लड़के को ठीक करेगी और नहीं तो मैं दिल्ली पुलिस को ठीक कर दूंगा। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी जिस दिन, भाई साहब दिल्ली में ऐसी कानून व्यवस्था कर देंगे, रात को 11 बजे भी आपकी लड़की घर से बाहर निकलेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। जब हमारी सरकार बनी थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, था नहीं था? 4 साल के अंदर सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। जब हमारी सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, 4 साल में सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए। अब दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली में ऐसी कानून व्यवस्था कर देंगे, भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर सबसे सेफ जगह दिल्ली होगी, सबसे सुरक्षित जगह दिल्ली बनाएगी। आज अपने बच्चे 12वीं पास करते हैं, 90% नंबर आ जाए तब भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता कॉलेजों में एडमिशन? एक दिल्ली में बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम लेना ठीक नहीं है, उसमें 150 सीट है। पिछले साल उस कॉलेज में 140 बच्चे तमिलनाडु के स्कूल के आ गए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर 140 बच्चे दिल्ली के बाहर के आएंगे तो हमारे दिल्ली के बच्चों को एडमिशन कौन देगा? कहां जाएंगे हमारे दिल्ली के बच्चे, कहां जाएंगे? हमने मोदी जी को कहा कि दिल्ली के हर कॉलेज में 85% बच्चे वो होने चाहिए जिन्होंने 12वीं क्लास दिल्ली से पास करी है। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जरा से। 85% हमारे दिल्ली के बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, माने नहीं बोलो। फिर मैंने मोदी जी को कहा मैं दिल्ली में नई यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूं, मैं दिल्ली में 50 नए कॉलेज बनाना चाहता हूं। आज 3 साल हो गए, उन्होंने परमिशन नहीं दी मेरे को। दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो हमको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, हम खुद ही बना लेते। अभी हर काम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 2 साल के अंदर इतने कॉलेज बना दूंगा दिल्ली में, 60% वाले फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे को भी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। आज अपने बच्चे डिग्री ले लेके बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को। क्यों नहीं मिल रही नौकरी? वहां भी सारे बाहर के बच्चे नौकरी नहीं जाते हैं। हमने इनको लिखा भी 25,000 वैकेंसी निकलने वाली है टीचरों की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें 85% आपके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अपने हाथ खड़े करके बता दो। जो दिल्ली का वोटर है, वैसे दिल्ली में सभी लोग बिहार से, हरियाणा से, यूपी से आए हैं, लेकिन अब जो दिल्ली में आके रहने लग गया, जिसका घर है अब दिल्ली में, जो वोटर है दिल्ली का, जो दिल्ली का वोटर है, 85% दिल्ली सरकार में नौकरियां उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए। आज दिल्ली में हम इतने काम कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सीवर बना रहे हैं। अभी के अभी भाई साहब 2 लाख नई वैकेंसी निकल सकती है सरकार में, 2 लाख। लेकिन आपके मुख्यमंत्री के पास पावर ही नहीं है नई वैकेंसी निकालने की। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली के अंदर 2 लाख नई वैकेंसी निकालेंगे और उसमें 85% नौकरी आपके बच्चों को देंगे। दिल्ली के अंदर अब जितने झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हमने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए। पिछले साल कई झुग्गी वालों को मकान मिल चुके हैं, जो NH24 में नेहरू कैंप है, कई झुग्गी वालों को मकान दे चुके, और इस साल 52,000 मकान बन के तैयार हो गए हैं। 52,000 झुग्गी वालों को इस साल मकानों में, पक्के मकानों में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन मेरा उससे भी बड़ा सपना है,
केवल झुग्गी वालों को नहीं, मैं चाहता हूं दिल्ली के हर नागरिक को एक मकान मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? दिल्ली के हर, जो दिल्ली में वोटर है, जो दिल्ली में रहता है, हर परिवार का अपना मकान होना चाहिए, एक मालिक होना चाहिए अपने परिवार का। 70 साल पहले डीडीए बनाई थी, डीडीए केंद्र सरकार के अंदर में आती है। डीडीए की जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के हर गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, गरीब और अमीर हो जाए, सबके लिए मकान बना के देगी। 70 साल में डीडीए ने पैसे कमाने के सिवा, भ्रष्टाचार करने के सिवा, रिश्वतखोरी के सिवा कुछ नहीं करा। 70 साल के अंदर डीडीए ने प्लॉट काट काट के बिल्डरों को दिए बस। आज मैं पूरी प्लानिंग करके आया हूं, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 10 साल के अंदर दिल्ली के हर वोटर परिवार को सस्ती और आसान किस्तों के अंदर मकान बना के देंगे। वैसे दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। अभी मैंने 3-4 ही काम बताए हैं। आपके बच्चों का एडमिशन हो सकता है, बच्चों को नौकरी मिलेगी, सबको मकान मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, गुंडागर्दी बंद होगी, नशा पता बंद होएगा, बहुत सारे काम होंगे। कौन कौन चाहता है दिल्ली पूर्ण राज्य बने? लेकिन अब हाथ खड़े करने से तो होगी नहीं दिल्ली पूर्ण राज्य, है ना?